8-10 में जो एयरपोर्ट भी आपको मिल जाएगी ये सिम, उसमें शायद आपको वहाँ पे डिस्काउंट रेट मिल जाए, क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट और 100 करना है इसमें डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट? 40 रियाल है ना, 14 रियाल। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, जहाँ से भी अगर आते हैं आप, तो सिम कौन सी लेनी है मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, तीन यहाँ कंपनीज हैं, ये मोबिली कंपनी है, मोबिली है, इसके पैकेजेस देखें, ये सारे पैकेजेस हैं 58 रियाल्स के हैं, जिसमें से ये 50 मिनट मतलब 15 GB है, 15 मिनट्स होंगे इस तरह होंगे, 104 के हैं, 115 है, ये मिनट्स हैं, ये GBs हैं और ये डेज हैं। तो डिफरेंसेस आपको बताता हूँ, ये मोबिली है और सेकंड वाला ये जैन है, ये जैन कंपनी है। हाँ, ये जैन कंपनी है। अब इसका मैं इसको पैकेज दिखाना, वाला पैकेज दिखाना। अच्छा, ये देखें, ये वाला है, इसके अंदर 2 वीक्स का जो है, इसमें 35 रियाल का है, 60 का है, और जिसमें 15 GB आपका इंटरनेट है, और 35 रियाल के अंदर 4 GB इंटरनेट है 2 वीक्स के लिए, और 4 वीक्स के अंदर आप 85 और 15 GB और समथिंग अनलिमिटेड। तो ये पैकेज है, मैं आपको उसका इसका भी डिफरेंस बताता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ STC। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन STC इसलिए है, उसका पैकेज भी अच्छा है, मतलब प्राइस में स्लो मतलब कम है, नेट भी अच्छा है, और डिस्काउंट भी मिलता है। और डिस्काउंट कहाँ मिलेगा वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। मैंने 70 वाली जो पैकेज था, 70 रियाल वाला, जिसमें 20 GB इंटरनेट और 150 मिनट समथिंग इस तरह है, वो मैंने लिए हैं 70 की जगह 60 रियाल के अंदर। तो अभी अगर STC का अगर बूथ नज़र आता है मुझे, तो मैं आपसे आपको उसका कंपेरिजन बताता हूँ। STC STC के ज़्यादा मार्केटिंग करते नहीं है, इसके रीज़न ये कि उनको ऑलरेडी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ जगह बैठे होते हैं, कुछ जगह नहीं होते, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, यानी कि डिमांड सप्लाई। हाँ, देखें, मोबिली के काउंटर के अंदर इतना सच कोई रश नहीं है, जैन के अंदर फिर भी ये थोड़ा कंपेटिव, मतलब आप उससे कंपेयर करेंगे मोबिली से और जैन को, तो जैन बेटर है, और इन दोनों से बेटर वही आपका STC है। आपको STC में मिलता तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, फाइनली STC का ये बूथ नज़र आ गया है, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये इब्राहिम खली रोड है, ये हरम है, ये इब्राहिम खली रोड है पूरा। अच्छा, इसका मैं पैकेज आपको बताता हूँ डिटेल्स ना। अच्छा, देखें, 35 में 35 रियाल के अंदर 5 GB है, उसके मिनट्स हैं 60 मिनट्स, 55 के अंदर 15 GB है, इसके मिनट्स हैं 120, और 70 के अंदर आपका 20 GB, और 100 के अंदर इसको डिस्काउंट है। डिस्काउंट है वाला। कितना डिस्काउंट? 40 रियाल है ना, 14 रियाल, 14 रियाल, 65, उसके अंदर 35, 14 रियाल डिस्काउंट के साथ, ये 35 में मिलेगा। सही, सब डिस्काउंट के साथ है। ये 70 ही देने पड़ेंगे, 80 देना होगा। ठीक है, अब देखें, मैं आपको इसका एक आपने पैकेज देख लिया नॉर्मल, ये कह रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, टैक्स के बाद आपको क्या नाम है कुछ, आई थिंक 35 वाला 42 मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दो उसको शॉर्टकट, ये आपने ऐसे पैकेज देख लिया, पैकेज बहुत अच्छे हैं। मैंने ये सिम लिया 70 के 60 लिए, 60 रियाल में मैंने 20 GB लिया, जिसमें ये 30 आवर्स में 180 मिनट्स हैं, इंटरनेशनल रोमिंग भी है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये अलग अलग यहाँ पर ना कैंप्स, यानी कि बूथ लगाए हुए इन्होंने अपने मार्केटिंग टीम कह लें या कुछ भी कह लें। यहाँ पर 8-10 जो एयरपोर्ट भी आपको मिल जाएगी ये सिम, उसमें शायद आपको वहाँ पर डिस्काउंट रेट मिल जाए, क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पर आया था तो उस वक्त वहाँ पर सिस्टम डाउन था, तो उन्होंने इशू नहीं की थी सिम मुझे ना, कह रहे थे कि वहाँ से मिलना बाहर, तो मैंने फिर सेकंड डे यहाँ आकर ट्राई किया था, तो यहाँ पे मिल गई थी।
तो उसमें अब ये है कि देखें इस पर आपको सर्च करना पड़ेगा, सर्च इस तरह करना चाहिए यहाँ पर इसे ये मोबिली का लगा हुआ है क्या। ये पूरी रोड पर ना इब्राहिम खलील रोड के ऊपर पूरा टूवर्ड्स हरम तक ही 6 बजे से यानी कि इफ्तारी के बाद से आपको रात 12 बजे तक ये यहाँ पर मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे, यानी ये रमज़ान में रोज़ों से पहले यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ये इफ्तारी के बाद से रात 12 बजे तक यहाँ होते हैं, इवन 2 बजे तक भी होते हैं। तो आपको हर उसके ऊपर जाना, जिस तरह मैंने पूछा ना अभी आपको कि डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट है नहीं। अब कोई आपको 35 रियाल वाला 40 में भी दे देता है, 35 वाला 43 भी कहता है, कुछ ऐसा होता है कि वो 30 में भी देता है, कुछ ऐसा होता है 20 में भी देगा। जहाँ से मैंने सिम ली थी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आपके पास ले जाऊँ और वहाँ पर डिस्काउंट जो जहाँ से मैंने अवेल किया है वो भी आपको दिखा दूँगी कहाँ से अवेल किया। अगर वो वहाँ पर अगर वो वही मार्केटिंग टीम अगर खड़ी हो या बूथ लगा हुआ हो तो हम स्टॉल अगर लगा हुआ हो तो हम देख सकते हैं कि अगर वहाँ लगा हो तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, सर मैं ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखें एक और यहाँ पे मिला, इससे ही पूछता हूँ कितना डिस्काउंट है। ये बस इसमें डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना डिस्काउंट 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 है कितना का डिस्काउंट 30 में मिलेगा, 30 रियाल में मिलेगा ये। हाँ। 35 वाला 30 में मिलेगा और ये वाला हाँ। ये नहीं होगा और नहीं, इसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा इसमें ऐसा वाला 70 में, 70 में ही मिलेगा, इसने में ही मिलेगा, मतलब सिर्फ उसका इसमें डिस्काउंट मिलेगा बस भाई। एक में देखें अभी डिस्काउंट मिला है ना, अब देखें इसी तरह ना हर स्टॉल पे आएंगे तो एक आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ से मैंने सिम ली है वहाँ पे तीनों ऑप्शंस के ऊपर डिस्काउंट था। तो आपने इस तरह पूछना है, ऐसा नहीं है कि वो जाए अब जाके आपने कहा कि भाई ठीक है 35 लिखा हो तो 35 दे दिए, या उन्होंने 35 लिखा उन्होंने कहा कि टैक्स गवर्नमेंट का लगेगा 43 में देते, ये नहीं करना। मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैंने गलती लेकिन नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे जब उसने कहा कि 35 की जगह 8 रियाल जो है वो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा तो मैंने नहीं दिया। तो खैर शॉर्ट करता हूँ मैं इसको, आपको मैं दूसरे स्टोर पे लेके आता हूँ इंशाल्लाह, वहाँ पर जहाँ डिस्काउंट मिलेगा ना वो दिखाता हूँ आपको इंशाल्लाह। ये देखें ये वाला स्टॉल है जहाँ से लिया था, लेकिन वो अभी आई थिंक अभी उन्होंने ऑफ कर दिया क्योंकि 12 अभी हो रहे हैं, 12:34 हो गए तो शायद उसके से बंद हो गया। कुछ जगह होते हैं कुछ जगह नहीं होते, तो यहाँ दो बर्मी लेडी होती हैं जो इसको डील करती हैं, मैंने उनसे लिया था तो वो डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि आपने एसटीसी लेनी है और एसटीसी की प्राइसेस भी अच्छी हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू दो मोपीली और जैन, और उसके नेटवर्क भी अच्छी है, कवरेज भी अच्छी है और सस्ती भी है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप एसटीसी ही लें और कोशिश ये करेंगे थोड़ा एफर्ट कर लें हर स्टॉल पर जाकर, और जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिले आपने वही लेना है, आपने जहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा आपने वहीं लेना है। तो ये आपका बेनिफिट, अगर आपने एफर्ट नहीं करनी आपने कहा ठीक है यार जो जिस जो प्राइस बोल रहे हैं उसी में लेना तो आपके ऊपर, वैसे एफर्ट करेंगे तो कुछ शायद डिस्काउंट भी मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो बस ये है आपको।